नमस्कार टैक्स लामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI लाइसेंस नंबर के बारे में। इस लाइसेंस नंबर की मदद से आप किसी भी कंपनी की डिटेल्स पता कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि ये कंपनी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है या नहीं, इन्होंने फूड लाइसेंस लिया है या नहीं, और अगर लाइसेंस लिया है तो उनका लाइसेंस कब तक वैलिड है, कब तक एक्टिव है। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट्स डिटेल भी पता कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि ये कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स पर काम करती है, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं इसके, जनरल मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये सारी चीजें आप इस लाइसेंस नंबर की मदद से पता कर सकते हैं। ये डिटेल्स पता करने के कई पर्पस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई फूड से रिलेटेड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आप अपने कंपटीटर की डिटेल्स जानना चाहते हैं कि आपका जो कंपटीटर है वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स पर काम करते हैं, उनकी प्रोडक्ट डिटेल क्या है, उनका लाइसेंस डिटेल क्या है, या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि अगर आप कोई कंपनी का प्रोडक्ट लेकर आए हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो कंपनी और कौन कौन से प्रोडक्ट पर काम करती है, तो ये सारी चीजें आप इस लाइसेंस नंबर की मदद से चेक कर सकते हैं। इसे चेक करने का पूरा प्रोसेस आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए, और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइसेंस नंबर चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर पर जाना है। वहां पर सर्च बार में आपको टाइप करना है ट्रैक FBO, FBO यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको इस पहले लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रैक एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन की स्टेटस क्या है। इसके अलावा नो योर ऑफिसर, FBO सर्च, हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग और लाइसेंस किट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हमें अभी FBO सर्च करना है, तो हम सर्च FBO पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कंपनी नेम फिलअप करने को कहा जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करने को कहा जाएगा। तो अगर आपको कंपनी नेम पता है तो आप फिलअप करें, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो अभी हमें लाइसेंस नंबर पता है तो हम लाइसेंस नंबर फिलअप कर देते हैं। तो अभी मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसका FSSAI लाइसेंस नंबर मैं यहाँ पर फिलअप करती हूँ और देखते हैं कि हमें कितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये लाइसेंस नंबर है 100120110000168। लाइसेंस नंबर फिलअप करने के बाद हम यहाँ ये दिखाए गए कैप्चा को फिलअप कर देंगे, और फिलअप करने के बाद हमें सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस कंपनी का फूड लाइसेंस आ जाएगा। डिटेल्ड रिपोर्ट फॉर वैलिड FSS लाइसेंस सर्टिफिकेट ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर, ये लाइसेंस आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ से हम इस कंपनी का नाम देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये कौन सी कंपनी का है, तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा हम यहाँ पर इस कंपनी का एड्रेस देख सकते हैं, जिस एड्रेस पर इन्होंने ये लाइसेंस इशू कराया है। यहाँ पर लाइसेंस नंबर है, यहाँ पर लाइसेंस टाइप देख सकते हैं, सेंट्रल लाइसेंस टाइप है इनका। सेंट्रल लाइसेंस यानी कि ये बड़े स्केल पर प्रोडक्ट सेल करते हैं, बड़े स्केल पर बिजनेस करते हैं। जनरली दो तरह के लाइसेंस होते हैं, सेंट्रल लाइसेंस और स्टेट लाइसेंस। स्टेट लाइसेंस यानी कि स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए होता है और सेंट्रल लाइसेंस लार्ज स्केल बिजनेस के लिए होता है। यहाँ पर इनके लाइसेंस की वैलिडिटी है एक्टिव और इनएक्टिव, तो ये इनका लाइसेंस एक्टिव है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, व्यू प्रोडक्ट्स पर क्लिक करके आप इनकी प्रोडक्ट्स डिटेल देख सकते हैं।
तो चलिए व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट्स डिटेल क्या क्या हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी डिटेल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन हो गई है। ये पूरी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ये डेयरी यूनिट्स के प्रोडक्ट पर काम करते हैं, जैसे कि कई तरह के मिल्क हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोन्ड मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में ये सारे प्रोडक्ट्स मैंशनड हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, फैट्स एंड ऑयल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये। इसके अलावा होलसेल कैटेगरी में कई सारे प्रोडक्ट्स, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, फैट्स एंड ऑयल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सारे का होलसेल में भी बिजनेस करते हैं ये। इसके अलावा ये कई प्रोप्राइटरी फूड्स भी सेल करते हैं, जैसे कि इंस्टेंट टी, नेस्कैफे ऑल इन वन और भी बहुत कुछ। और यहाँ पर इनकी जनरल मैन्युफैक्चरिंग भी दिखाई गई है। तो इस तरह से आप किसी कंपनी के बारे में पूरी डिटेल आप देख सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स डिटेल, उनकी लाइसेंस वैलिडिटी, उनका प्रेमिसेस एड्रेस, ये सारी चीजें आप इस लाइसेंस नंबर की मदद से पता लगा सकते हैं। तो ये था FSSAI लाइसेंस नंबर ऑनलाइन चेक करने का तरीका। आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाए। थैंक यू।